ये क्वेश्चन को देखिए, वेंटिलेशन का है, सिर दर्द वाला, लेकिन हम उसको बहुत इजी कर दे रहे हैं। व्हेन द वाटर गेज इज 50 mm, वाटर गेज कितना है 50 mm, द पावर इज 125 HP, 50 mm वाटर गेज है तब पावर है 125 HP, व्हाट विल बी द वाटर गेज, तो वाटर गेज कितना होगा इफ पावर इज इंक्रीज टू 150 HP। हम इंक्रीज शब्द हटा दिए, मोटा मोटी ये याद रखें कि पावर 150 HP हो जाए तो वाटर गेज कितना होगा। ये तो निश्चित बात है कि 125 HP पे 50 mm वाटर गेज है, तो 150 HP पर वाटर गेज 50 से ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है, ये क्लियर। आपको ऑप्शन दिए 56.46, 60.67, 63.33 और 65 mm, और जिन्होंने मुझे क्वेश्चन भेजा था वो यहाँ पे शायद मिसप्रिंट था, या 54.46 था, कितना था, अब वो भी बड़ा परेशान था। हम बताइए बाबू इसका 56 आता है, बोले हाँ सर 56 से आंसर है, लेकिन उसमें तो हमारा जो बुक जहां पढ़ रहे थे वहां ऑप्शन में 56 नहीं लिखा, मतलब कोई बात नहीं छोड़ दीजिए उसको, ठीक है। कहां से निकलेगा, डायरेक्ट कहीं से नहीं निकलेगा, ठीक है, लेकिन निकलेगा ही वहीं से जो फैन का क्वेश्चन, तो फैन लॉस से, कितने फैन लॉस बताए, 3 फैन लॉस बताए थे हम 2 महीना पहले, रेगुलर स्टूडेंट के हिसाब से बताए थे, आपके फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास वाले के लिए नहीं बताए थे, ठीक है, कहीं बताए थे, बताए थे ना। पहला है क्वांटिटी के लिए, दूसरा है वाटर गेज के लिए, तीसरा है पावर के लिए, तीनों फैन लॉस था। पावर क्वांटिटी, क्वांटिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन आर वी, जितना ज्यादा आप रोटेट कीजिएगा, रोटेशन बढ़ा दीजिएगा, उतना ज्यादा क्वांटिटी होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलता है। एक है वाटर गेज, वाटर गेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू स्क्वायर और एन स्क्वायर और वी स्क्वायर। वाटर गेज जो होगा आपके एयर क्वांटिटी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए एक क्या ले लीजिएगा, कॉन्स्टेंट, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हट जाएगा, बहुत बड़ा बात नहीं है। और एक था पावर, एचपी लिखा हुआ, एचपी का मतलब क्या होता है, पावर ना जी, पावर, पावर का यूनिट एचपी है। पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू क्यूब आर एन क्यूब आर वी क्यूब, ऐसा पढ़े थे। तो सेकंड लॉ से चालू करते हैं, सेकंड लॉ क्या था आपका, फैन लॉस वाटर गेज, क्योंकि इसमें वाटर गेज का बात नहीं, चलो वाटर गेज मतलब प्रेशर, वाटर गेज मतलब प्रेशर, वाटर गेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू स्क्वायर, ये क्या है, ये सेकंड लॉ ऑफ फैन, ठीक है, फैन का सेकंड लॉ है। देखिए तो इसको यूनिटी, यूनिट कोई हम कांस्टेंट ले ले, जैसे आप लोग उधर पढ़ते थे क्या, ओम्सला क्या होता है, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, इतना मैंने याद रखना है कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, इसको हटाने के लिए क्या करते हैं, वी इज इक्वल टू आर आई कर देते, ऐसा करते थे। अब हम यहां क्या किए, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए कोई यूनिट कॉन्स्टेंट ले लेते हैं, एक लिए यूनिट मतलब एक लिया, तो क्या हो जाएगा, वाटर गेज इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर हुआ जी। अब इसका कहने का ये मतलब हुआ कि जहां पर क्यू स्क्वायर आएगा वहां पे क्या लिख दीजिएगा आप, वाटर गेज। देखिए क्यू स्क्वायर की जगह पे आप वाटर गेज रख दीजिए। अब मान लो मुझे सिर्फ यहां से क्यू चाहिए, सिर्फ क्या चाहिए, क्यू, तो ये स्क्वायर जो है इसके ऊपर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट, तो क्या हो गया, स्क्वायर रूट वाटर गेज इज इक्वल टू क्यू हो गया। ये दूसरा बात याद रखिएगा। और ये निकला, ये दोनों चीज कहां से है, ये दोनों चीज निकला इस फैन लॉ का सेकंड पार्ट से, जो सेकंड लॉ ऑफ फैन है उसी से ये दो बात मिला। कहीं जहां पर भी क्यू आएगा वहां इतना रखेगा, जहां क्यू स्क्वायर आएगा वहां पर इतना रखेगा, आगे इसी प्रॉब्लम को सोल्व करने में, ठीक है। अब थर्ड लॉ क्या पढ़े थे आप, पावर, पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू क्यूब, ठीक है, ठीक है भैया। अब ये इसको भी यूनिटी, यूनिट हमारा और रेजिस्टर क्या बोलते हैं कॉन्स्टेंट से हटा देंगे, तो पावर क्या हो गया, पावर इज इक्वल टू क्यू क्यूब, इतना हुआ, तो पावर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर इंटू क्यू हो गया, तोड़ दिया ना, ये समझ आया कि नहीं, क्यू स्क्वायर इंटू क्यू करेंगे क्या हो जाएगा आपका,
क्यों क्यों हो गया? अब पावर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर की जगह कितना निकाल के रखे हम यहाँ पे, देख लीजिए कितना रखे है वाटर गेज, तो यहां लिख दिया वाटर गेज इंटू क्यू की जगह कितना लिखा है स्क्वायर रूट वाटर गेज। कोई दिक्कत है बाबू? आराम समझ। अब पावर इज इक्वल टू पावर वाटर गेज लिखा है, इसका पावर कितना है कुछ मतलब वन है इंटू ये वाटर गेज का वाटर गेज, ये स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है किसी भी क्वांटिटी की पावर हाफ, ठीक है। तो बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर क्या करते हैं प्लस कर देते हैं। यदि ऐसा कहीं लिखा है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स रेस टू दी पावर थ्री, तो एक्स एक्स बेस सेम है तो बेस को यहां लिख दिया बेस सेम है तो ये पावर को क्या करते हैं मल्टीप्लीकेशन तो प्लस कर देते टू प्लस थ्री, तो कितना हो गया एक्स रेस टू दी पावर फाइव। ऐसा छोटी क्लास में मास्टर लोग बताते थे, ठीक है। बस फार्मूला यहाँ पे वही लगेगा, यहाँ एक है और यहाँ आधा है, एक और आधा कितना होता है डेढ़ 1.5, या इसको हम उसमें लिखेंगे 3/2 हो जाएगा। यदि इसको ऐसा लिखेंगे कितना होगा 3/2, तो पावर इज इक्वल टू कितना हो गया वाटर गेज रेस टू दी पावर 3/2, या इसको ज्यादा है तो ऐसा लिख दीजिएगा वाटर गेज रेस टू दी पावर 1.5। 3/2 का मतलब तीन का आधा डेढ़ 1.5, ठीक है। ये पावर के बराबर आपने एक रिलेशन निकाला कि पावर जो होगा वाटर गेज के रेस्ट टू दी पावर 1.5 के बराबर होगा। हो गया इतना, ये वाला आपका काम का चीज है। लेकिन यहां पावर दो दिया, वाटर गेज दो दिया, तो H1/H2 मतलब ये पहला वाला पावर कितना था 125 HP, दूसरा कितना है 150 HP इज इक्वल टू क्या आ जाएगा वाटर गेज आपका कौन सा वाटर गेज P1 और P2, और इसका रेस्ट टू दी पावर कितना हो गया वाटर गेज, ये प्रेशर है ना वाटर गेज का पावर कितना है 1.5 ले लिया, ठीक है। या इसको 3/2 रहने दीजिए ना, इजी हो जाएगा 3/2 कितना रहने देंगे 3/2, ठीक है। H1 कितना दिया आपका 125 HP डिवाइडेड बाय H2 कितना 150 HP इज इक्वल टू P1 कितना है 50, P2 निकालना है रेस्ट टू दी पावर 3/2, ठीक है। अब इसको काटपीट करेंगे तो यह आएगा 0.833 इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय P2 रेस्ट टू दी पावर 3/2, समझ आ रहा बाबू। अब ये इसको हम इधर लाएंगे पावर को, ये उल्टा जाएगा 3/2 नहीं का क्या जाएगा 2/3 होगा, 0.833 रेस्ट टू दी पावर कितना आएगा 2/3 होगा, 3/2 नहीं का 2/3 हो जाएगा इधर आएगा, तो इज इक्वल टू क्या हो गया 50/P2 इसके डिवाइडेड बाय कुछ है तो 1। इसको काट पिट करते हैं तो ये आता है इसका सॉल्व करने पर 0.8855 कितना आता है 0.8855 कैलकुलेट कर कीजिएगा 50/P2 डिवाइडेड बाय 1, तो P2 निकाल देंगे P2 इक्वल टू क्या होगा 50 डिवाइडेड बाय 0.855, ठीक है 50 डिवाइडेड बाय 0.8855, तो इसको निकालेंगे तो आपका P2 निकल जाएगा 56.46 mm वाटर गेज। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। कोई दिक्कत है? मुझे नहीं लगता दिक्कत है।